तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी हमारे चैनल की एकदम अलग मूवी है और इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कर दिया इसको एक्सप्लेन। तो मूवी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। दरअसल यहाँ पर एक इमैकुलर रूम है। इस रूम में कपल आते हैं और जो भी कपल यहाँ पर 50 दिन रुक जाता है उसको मिलते हैं $5 मिलियन। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये कपल आता है। इस लड़के का नाम होता है माइकी और इस लड़की का नाम होता है केट। और जैसे ही ये लोग बटन दबाकर इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं वैसे ही इनका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर दोनों ही काफी खुश होते हैं। उनको लगता है कि 50 दिन तो उनके लिए हलवा है, वो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक फीमेल कंप्यूटर वॉइस होती है जो इनको बताती है कि अगर आप यहाँ पर 50 दिन निकाल लोगे तो आपको मिलेंगे $5 मिलियन और अगर एक भी इंसान यहाँ से जाता है तो प्राइज मनी में से $1 मिलियन माइनस हो जाएंगे। और अब यहाँ पर ये लोग खूब उछल कूद करते हैं। ये रूम काफी बड़ा होता है और पूरा ही रूम व्हाइट होता है। माइक कहता है ये तो सपने की तरह है, हम लोग काफी लकी हैं कि हमको ये चैलेंज करने का मौका मिला। केट कहती है कि तुम अपने आधे हिस्से का क्या करोगे। तब माइकी कहता है कि मैंने ये सब नहीं सोचा, अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपना शौक पूरा करने के लिए पेंटिंग करूंगा क्योंकि वो मुझको पसंद है। और केट कहती है सही में इतने पैसे आने के बाद भी तुम कुछ नहीं करोगे। अब माइकी तो एक आम सा बंदा, उसको जितना पैसा मिलने वाला था वो उतने में खुश रहने का डिसाइड करता है। और केट कहती है कि मैं तो इन्वेस्ट करूंगी और माइकी इस बात का मजाक उड़ाता है। और अब ये दोनों वहाँ का बाथरूम देखने जाते हैं। फिर से वो वॉइस मैसेज आता है कि इस बाथरूम को इस्तेमाल एक टाइम पर एक ही इंसान कर सकता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वॉइस मैसेज आता है कि आप लोगों के सोने का टाइम हो चुका है और इनको खाना पीना भी नॉर्मल मिलता था, ना कि 56 भोग, और सब कुछ यहाँ पर वाइट ही था और जो खाना मिलता था वो भी लिमिट का होता था। अब माइकी को यहाँ पर खुश रहना था लेकिन उसके पास खुशी का कोई साधन नहीं, तो वो केट के क्लोज आने लगता है। पर केट उसे साफ साफ कहती है कि यहाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि हमारे आसपास कैमरा लगे हुए हैं तो शायद हमको कोई देख रहा होगा। और उसके बाद माइकी के साथ साथ उसकी भावनाएं भी सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है फिर से वो वॉइस मैसेज आता है कि अब आप लोग उठ सकते हो। और केट बाथरूम में जाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और अभी ये लोग वहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। ये लोग काफी बात करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, पर 50 दिन निकालना कोई हलवा नहीं था और अभी तो सिर्फ 2 दिन निकले थे। और माइकी उस घड़ी को बहुत गौर से देखता है और केट अपने आप को शांत रखने के लिए योग करती है। माइकी केट से कहता है कि मुझे लगता है कि वो घड़ी काफी स्लो चल रही। तब केट कहती है कि उस घड़ी को मत देखो, वो तुम्हारी टेंशन बढ़ाएगी। और उसके बाद इनके सोने का टाइम हो जाता है। और अगले दिन उठकर केट वही प्रोसेस करती है जो वो हर दिन करती है, अपने आप को ये बताना कि वो ये कर सकती है। और अब इन दोनों के दिन धीरे धीरे निकलने लगते हैं। ये लोग खेलते हैं, सोते हैं, डांस करते हैं, नहाते हैं, अलग अलग अपना सादा भोजन खाते हैं। और केट वहाँ पर अच्छे से रहती है और हर दिन अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाती है। और ऐसे ही करते हुए ये लोग अपने 27 दिन निकाल लेते हैं। पर अब इनके पास करने को कुछ नहीं था, ये लोग अपने रोज के कामों से बोर हो चुके थे। और माइकी को ज्यादा ही परेशान होने लगा था। तभी माइकी को वहाँ पर एक कीड़ा दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर केट आती है और माइकी दौड़ लगाकर अपनी एनर्जी ड्रिंक लेकर आता है और वो उसको पिलाने की कोशिश करता है। तभी उनको यहाँ पर वॉइस मैसेज आता है कि आप अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके लिए है। और माइकी को इस कीड़े की काफी चिंता होती है, वो कहता है कि मैं ये बटन दबाकर इस कीड़े को बाहर फेंक दूंगा। तब केट कहती है कि ऐसा मत करो, तुम एलिमिनेट हो जाओगे और पैसे हमारे कट जाएंगे। तब माइकी कहता है कि मैं थोड़े ना बाहर जा रहा, मैं तो इस कीड़े को बाहर फेंकूंगा। पर केट उसको मना करती है और इन दोनों की काफी तगड़ी बहस हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को ताना मारते हैं। दरअसल केट होती है नॉन वेजिटेरियन और माइकी होता है वेजिटेरियन, तो ये दोनों इस बात पे बहस करते हैं कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए जानवर को क्यों खाती हो। तब केट कहती है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं और केट को लगता है कि बहस काफी बढ़ रही और वो वहाँ से जाने लगती है। पर उसका पैर गलती से कीड़े पर पड़ जाता है और कीड़े का हो जाता है राम नाम सत्य। और बेचारा माइकी उस कीड़े के लिए काफी दुखी होता है। केट कहती है कि ये गलती से हुआ। अब केट तो यहाँ पर अपने आप को संभाल रही थी पर माइकी यहाँ पर नहीं संभल रहा था, वो फालतू की हरकतें करने लगता है। वो केट से कहता है कि मैं अपनी ट्रीट मंगा रहा। दरअसल एक ट्रीट मंगाने पर $10,000 कटेंगे पर माइकी यहाँ पर मंगा लेता है और उसकी ट्रीट होती है एक क्रियोन। और भाई साहब उस क्रियोन से पूरी दीवार पोत देते हैं कुछ भी अंटसंट बनाकर, पर उसको काफी खुशी होती है। और ये दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगते हैं। अब अगले दिन जैसे ही केट बाथरूम में जाती है वो काफी घबरा जाती है और तुरंत माइकी को बुलाती है। दरअसल बाथरूम के अंदर एक पिस्तौल रखी थी। अब आप लोग समझ जाइए कि जिसने भी ये रूम बनाया उसका मकसद क्या है। वो देखना चाहता है कि लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं। उसको मालूम है कि ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर इन दोनों में से कोई पिस्तौल का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल अभी
तो ये लोग डर के मारे उस पिस्तौल को बेड के नीचे रख देते हैं और तभी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलता है जहाँ पर पहले माइकी की फैमिली दिखाई जाती है जो कि उसको काफी मोटिवेशन देती है और तभी वहाँ पर दिखाए जाते हैं केट के फादर और केट काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस रूम में रहकर वो किसी को मिस करे। पर ये चैलेंज इतना आसान नहीं था और अब केट अपने फादर को काफी मिस करती है और थोड़े टाइम के बाद माइकी का क्रियोन खत्म हो जाता है और उसका फोकस होता है घड़ी पर और अब इनको सिर्फ 18 दिन निकालना है। पर माइकी यहाँ पर काफी परेशान हो चुका है और उससे गलती से अपने खाने का बॉक्स गिर जाता है। तब केट उससे कहती है कि इसको साफ तुम करोगे। दरअसल केट की एक प्रॉब्लम है, जैसी वो बिगड़ी या गंदगी देखती है वो काफी परेशान होने लगती है और केट की भी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। और यहाँ पर माइकी अपनी सेकंड ट्रीट मंगाता है और भाई साहब को वो लोग क्या ट्रीट देते हैं, एक पूरी निर्वस्त अवस्था में खूबसूरत सी लड़की। और माइकी उसको देख के हक्का बक्का हो जाता है कि साला ये कौन सी ट्रीट आ गई। ये लड़की अपना नाम बताती है समोन और माइकी की जबान लड़खड़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर आती है केट और वो काफी हैरान हो जाती है कि अब ये क्या बवाल भेज दिया। माइकी कहता है कि मैंने अपनी ट्रीट मंगाई थी पर ये आ गई। ये लड़की बताती है कि मुझको भी चैलेंज में भेजा गया और मुझको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तब केट कहती है माइकी से कि अपने कपड़े उतार के उसको दो। माइकी उसको अपने कपड़े देता है और कहता है तुम पहन सकती हो, अगर तुम चाहो तो नहीं भी पहन सकती। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि एक खूबसूरत सी कन्या उसके सामने खड़ी थी और उसने इतने दिनों से चरम सुख भी नहीं लिया था और इसीलिए इस रूम वालों ने इस लड़की को भेजा ताकि इन दोनों के बीच झगड़ा होए। पर ये लड़की कहती है कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो यहाँ पर चैलेंज करने आई हूँ। और माइकी केट को समझाता है कि मैंने सच में इस लड़की को नहीं बुलाया, मैंने ऐसे ही कुछ भी मंगाया था। पर ये लड़की आ गई। केट को जेलसी हो रही थी सुमोन से कि तभी वहाँ पर सोने का टाइम हो जाता है। सुमोन कहती है कि मैं नीचे सो जाऊंगी पर केट मन में कहती है कि ज्यादा मत बन और बाहर कहती है कि नहीं तो हमारे साथ सो जाओ। और अगले दिन माइकी और सुमोन काफी बात कर रहे होते हैं और केट को होती है जेलसी और केट अपनी मंगाती है ट्रीट और उसकी ट्रीट होती है एक ऐसी गोलियां जिसको खाकर हो जाओगे आप हाई और उसको खाकर ये सभी लोग हाई हो जाते हैं। पर भाई साहब माइकी को ज्यादा ही हो जाता है, वो काफी अजीब अजीब चीजें सोचता है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और अब सुमोन और केट के भी बनने लगती है और उसी रात सुमोन माइकी से बात करती है जब केट वहाँ पर सो रही होती है और सुमोन उसको दिलासा देती है और सुमोन उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि तभी वहाँ पर आ जाती है केट और केट को हो रही थी पहले से इनसिक्योरिटी तो वो इन दोनों से ही बहस करने लगती है और माइकी को आ जाता है काफी गुस्सा। और अगले दिन केट को मालूम चलता है कि वो लड़की यहाँ से चली गई, यानी कि वो कोई चैलेंज करने नहीं आई थी, वो आई थी इन दोनों के बीच फूट डालने। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है, जब माइकी को मालूम चलता है कि वो चली गई तब माइकी उसका पूरा दोष केट पर डालता है पर केट उस पर उल्टा इल्जाम लगाती है कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया है और उसका टास्क कंप्लीट होने के बाद वो चली गई। और इन दोनों की काफी बहस हो जाती है और केट बौखलाकर उसको धक्का दे देती है और माइकी का सिर फट जाता है और केट यहाँ पर काफी घबरा जाती है। पर केट यहाँ पर इसलिए घबराती है कि कहीं ये बाहर ना चला जाए। वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माइकी कहता है कि मुझको डॉक्टर की जरूरत है पर केट कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर ठीक हो जाओगे। और माइकी ये समझ जाता है कि केट को पैसे चाहिए और कुछ नहीं। और अब माइकल कहता है कि तुम अपने यहाँ पर ऐसी तैसी कराओ, मैं जा रहा रूम के बाहर। और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी केट बेड के नीचे पड़ी पिस्तौल को उसके ऊपर तान देती है और कहती है कि अगर तुमने बटन दबाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पर माइकी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था पर वो बटन दबा देता है। और केट यहाँ पर गोली नहीं चलाती, यानी कि अब 16 दिन केट अकेले गुजारेगी और इनामी राशि में $1 million कम हो चुके हैं। और केट को काफी बुरा लगता है कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। और अब वो अकेले ही इस रूम में रहती है और जब सिर्फ 2 दिन बचते हैं तब वो उस बटन के पास जाती है। जैसे उसका हाथ वहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर सीन कट कर दिया जाता है और रोड पर हमें माइकी दौड़ता हुआ दिखाया जाता है और वहीं पर होती है केट। तब केट उससे कहती है कि मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी और माइकी भी यहाँ पर सॉरी बोलता है। माइकी उसे पूछता है कि तुमने पैसे बनाए, तब केट उस बात का जवाब नहीं देती और उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है और क्या तुम अभी भी पेंटिंग करते हो। माइकी कहता है कि हाँ मैं पेंटिंग करता हूँ। और तभी हमको दिखाया जाता है एक पिलर जहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा होता है इट्स अ न्यू एस्टीमेरिक किचन वाज मेड पॉसिबल बाय एनोनिमस डोनर, जिससे हमको यही समझ में आता है कि केट वहाँ से पैसे जीत चुकी थी और उसने अपने पैसे इस संस्था को दिए बिना अपना नाम बताए। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर 50 दिन बिता सकते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। पर मेरे लिए ये टास्क नामुमकिन है क्योंकि इस टास्क के लिए चाहिए गर्लफ्रेंड और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। खैर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और आपके जो दोस्त हैं जिनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनको ये मूवी शेयर जरूर करना। क्या बोलो ये कर सकते हैं कि नहीं? नहीं।
और इस मूवी का नाम है द इमेक्युलेट रूम।